इस आधुनिक युग में केवल सरकारें ही प्रतिस्पर्धा नहीं करती, अपितु हर क्षेत्र के उद्योगपति भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीनी कंपनियों ने दुनिया भर में अपनी धाक जमा रखी है और भारत अब धीरे धीरे उसे हर क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत ने भी अपनी धाक जमाई है और चीन से उस क्षेत्र में कई कदम आगे है। ये क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के ऑटोमोबाइल मार्केट, जहां भारत चीन से कई कदम आगे चल रहा है। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर के क्षेत्र को ही देख लीजिए। जैसे जैसे दक्षिण अमेरिका के देश और अफ्रीका के देश मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर यानी आधुनिक कृषि की ओर बढ़े हैं, ट्रैक्टर की मांग भी बढ़ी है। चीन और भारत दोनों ही इस क्षेत्र में अफ्रीका में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भारत का पलड़ा अधिक भारी है, जिसे स्वयं चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने स्वीकार भी किया है। ऐसे में क्षेत्र के असली विजेता बनकर निकले हैं आनंद महिंद्रा। प्रारंभ से ही आनंद महिंद्रा राष्ट्रवादी थे, परंतु वुहान वायरस और अभी हाल ही में चीन द्वारा गलवान घाटी में हमले के बाद से उन्होंने अपनी ओर से भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कमर कस ली है। हालांकि इस बार की चुनौती में भी वो विजयी बनकर उभरेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं जब उन्होंने अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी ऑटोमोबाइल मार्केट को अपनी कर्म भूमि के तौर पर चुना था और चीन के दबदबे को ना केवल उन्होंने खत्म किया बल्कि लोगों का दिल भी जीतने में कामयाब रहे थे। आनंद महिंद्रा काफी पहले ही दक्षिण अमेरिका में निवेश कर चुके हैं। वर्ष 2018 से ब्राजील में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक स्थानीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर खोलने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के अंतर्गत महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी दक्षिण अमेरिका के चार प्रमुख देशों ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको और चिली में अपना उत्पाद भी बेचेंगे और उसका प्रचार प्रसार भी करते। चीनी ट्रैक्टर का महिंद्रा ट्रैक्टरों से कोई मुकाबला नहीं है और चीनी ट्रैक्टर के मुकाबले वे ना केवल मजबूत है बल्कि किफायती भी। आज भी महिंद्रा विश्व के सबसे बेहतरीन और मजबूत ट्रैक्टर बनाने के लिए काफी विख्यात है। महिंद्रा के नॉर्थ अमेरिकी इकाई के मुख्य मार्केटिंग ऑफिसर एवं उपाध्यक्ष क्लियो फ्रैंकलिन के अनुसार, विरोधी आपकी स्कीम और ऑफर कॉपी कर सकते हैं, पर जिस तरह महिंद्रा ट्रैक्टर बनाता है उस तरह ट्रैक्टर बनाना इतना भी सरल नहीं है, और ये हमारे साथ स्पर्धा में लगे हमारे विरोधी शायद ही कर पाए। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आनंद महिंद्रा की महिंद्रा कंपनी सिर्फ दक्षिण अमेरिका में ही नहीं बल्कि अफ्रीका के ऑटोमोबाइल मार्केट में भी अपना वर्चस्व जमा चुकी है। अफ्रीका के समीकरण और वहां की सड़कों के अनुसार महिंद्रा के कई वाहन बेहद अनुकूल भी हैं और इससे महिंद्रा को अच्छा खासा राजस्व भी मिलता है। इसके अलावा महिंद्रा जैसे अनेकों भारतीय उद्योगपति हैं जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं और यहाँ उन्हें चीन के मुकाबले काफी बढ़त भी मिली हुई है। परंतु बात अपनी व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाने तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में वो कंपनी की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने कर्मचारियों का भी खास ख्याल रखते हैं। आनंद महिंद्रा की महिंद्रा कंपनी ने कई चुनौतियों के बावजूद यूरोप, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका जैसे देशों में अपनी पकड़ मजबूत की। यहाँ के बाजार में चीन की पकड़ काफी मजबूत थी, जिसे कमजोर कर महिंद्रा ग्रुप ने काफी लोकप्रियता हासिल की। महिंद्रा चीन के 25 अमेरिकी बिलियन डॉलर कृषि उपकरण बाजार में भी उतरना चाहता है और चीन को यहाँ भी मात देना चाहता है। पहली बार एक भारतीय विनिर्माण कंपनी चीनी निर्माण कंपनियों से आगे इस क्षेत्र में जाएगी। किसी भी ऑटोमोबाइल मार्केट का एक ही लक्ष्य होता है, विश्व भर में अपनी पैठ जमाना, परंतु अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ऑटोमोबाइल मार्केट में अभी दुनिया की कोई महाशक्ति अपनी पैठ नहीं जमा पाई है। ऐसे में दो ही ऐसे देश हैं जिनकी वर्तमान स्थिति और ऑटोमोबाइल मार्केट पर उनकी पकड़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वे कोई कमाल कर सकते हैं। एक है भारत तो दूसरा है चीन, लेकिन इस मोर्चे पर भारत का पलड़ा न केवल भारी है बल्कि आनंद महिंद्रा की एंट्री से भारत चीन को अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ऑटोमोबाइल मार्केट में वर्चस्व के मामले में मीलों पीछे छोड़ चुका है। सच कहें तो भारत अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ऑटोमोबाइल विशेषकर ट्रैक्टर मार्केट में इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने न केवल ग्राहकों की नब्ज जल्दी पकड़ी बल्कि चीन की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले किफायती उत्पाद भी प्रदान किए। अब जब हाल ही में चीन ने भारत पर कटाक्ष किया कि भारत के पास राष्ट्रवाद के अलावा है ही क्या, तो भारत पर इस तरह के कटाक्ष के बाद आनंद महिंद्रा मैदान में उतरे और उन्होंने ट्वीट किया। मैं समझता हूं कि ये ट्वीट भारत के लिए सबसे प्रभावी प्रेरणा और हुंकार की तरह काम कर सकता है। प्रेरित करने के लिए धन्यवाद, हम जरूर उठेंगे।
यही नहीं, अब एक अहम कदम उठाते हुए महिंद्रा ग्रुप की आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने बीएसएनएल की 4G सेवा को अपग्रेड करने की नई बोली में भाग लेने का निर्णय लिया है। मतलब अब इस क्षेत्र में भी आनंद महिंद्रा बड़ा बदलाव करने वाले हैं और चीन को वे बताएंगे कि राष्ट्रवाद के साथ क्या क्या हो सकता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए T-shirts, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।